राष्ट्रीय एकता दिनाचे औचित्य साधून तळोजा येथील केंद्रीय राखीव दलाच्या 102 शीघ्र कृती दलाच्या वतीने रन फॉर युनिटी अर्थात एकतेसाठी धावा कार्यक्रम मंगळवारी झाला. या मॅरेथॉन मध्ये अनेक जवान आणि अधिकारी सहभागी झाले होते. या उपक्रमाचे कौतुक करण्यात येत आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती आणि भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या स्मृती दिनानिमित्त देशभरात राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा करण्यात आला. त्या अंतर्गत तळोजा येथील 102 शीघ्र कृती दलाच्या जवानांनी रन फॉर युनिटी अर्थात एकतेसाठी धावा उपक्रम राबविला. शीघ्र कृती दलाच्या जवानांच्या माध्यमातून नागरिकांना एकतेचे धडे या माध्यमातून देण्यात आले. या निमित्त शीघ्र कृती दलाच्या जवानांनी दिमाखदार संचलन केले. या कार्यक्रमाला पश्चिम विभागाचे उपमहानिरीक्षक RS रौतेला, द्रुत कार्य दलाचे उपमहानिरीक्षक संजीव शर्मा, कमांडंट RW द्रावा यांच्यासह मान्यवर अधिकारी उपस्थित होते. जैसे एक रन फॉर यूनिटी आज आयोजन किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त एक कल्चर प्रोग्राम होगा. उसके बाद में शाम के वक्त में एक जो फिल्म है जो कि भारत के जो भारत सरकार ने जो बनाई है वो सभी को दिखाने का एक निर्देश प्राप्त हुआ है. इसके अतिरिक्त ये तो केवल आज का कार्यक्रम है, इसके अतिरिक्त हम लोग पूरे वर्ष भर कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं. इससे पहले स्वच्छ भारत अभियान भी हुआ था, उसमें भी हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा. विशेष तौर से कि 102 आर एफ हमारे ऑफिसर सब मिलकर जितने भी CRPF के कार्यालय थे उन्होंने भी उसमें बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था. और मुंबई शहर में अलग अलग जगहों पर जाके सफाई अभियान किए थे. और इसी प्रकार से हम लोग पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ CRPF है जो जो भारतवर्ष के इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं. और वहाँ की जो समाज है, वहाँ के जो पब्लिक है, वहाँ के जो लोग हैं, आवाम है, उन सबको हम लोग भी प्रेरित करते हैं कि वो भी इन जो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े. जैसे कि अभी आप लोगों को भी हमने शामिल किया है, नेहरू युवा केंद्र को भी हमने शामिल किया है. आसपास के ये लोगों ने RF वाले जो है वो स्कूल्स को बच्चों को यहाँ पर लेके आते कई और कार्यक्रम में. तो इस तरीके से हमारा योगदान ना केवल अपनी सेवा करना है बल्कि जिस जगह हम लोग तैनात रहते हैं वहाँ की पब्लिक, वहाँ के आवाम, उनको भी अपने साथ मिलाकर और जागरूकता पैदा करने का हमारा प्रयास रहता है. और भविष्य में भी हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि जो अभी कार्यक्रम है उसको भी हम उच्च दर्जे में लाएँ और इससे और बेहतर करने का प्रयास करें.